अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल चाल है? ठीक है माशाल्लाह। तो कल का सीन कुछ ऐसा था कि कल रात को थी जिस ससुराल में खाना, तो और आपकी भाभी वहीं पे रह गई क्योंकि सब बहन भाई वहीं पे थे। तो उसने कहा रह जाओ, मैंने कहा चलो रह जाओ। और सुबह मैं उठाऊँ तो मुझे वो याद आ रही है और उसी के ऊपर एक सिचुएशन में गाना है। गौर फरमाइएगा। तो हाँ जी, ये सिलसिले हो जाते हैं। नहीं एक्चुअली मैं मिस भी कर रहा हूँ। अच्छा जी, खैर अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के पास। मैंने कहा चलो आज़ादी मना ही लेते हैं, तो अभी कुछ अपने दोस्त यारों से मिलूँगा, खाना शाना साथ ही खाएंगे और दिन आपके साथ जैसे स्पेंड होगा आप देखते रहेंगे। कुछ ऐसे हो गए कि दोस्त यार सारे ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स हैं, 5-6 बजे ही फ्री होते हैं अपने बिजनेस से, ऑफिस से, जो कुछ भी है। तो मैंने भी यही बेहतर समझा कि हाईटी कर ली जाए। तो अभी हम जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने और भाई आपका रेडी हो गया क्योंकि हमने जाना है एक दो ऑफिशियल मीटिंग से भी और हाईटी भी हो जाएगी और एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी, तो जश्न आज़ादी खूब ज़ोरों पे मनाई जा रही है। जनाब हाईटी होने वाली स्टार्ट, दोस्त पहुंच चुका हुआ है। कहाँ पे हूँ मैं? टन टन। सेरिना का प्लान बना है दोस्तों के साथ और बस अब मैं जाने लगा हूँ अंदर और अंदर चल के ही मुलाकात करते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन इस्लामाबाद। जनाब जनाब सेरिना में हमें इनवाइट किया है हमारे यार अब्दुल्ला जी ने। आप तो अब्दुल्ला जी को जानते हैं, तो आज की पार्टी अब्दुल्ला जी की तरफ से। बस मेन्यू माशाल्लाह सेट हो रहा है, अभी हम लोग ज़रा सेरिना घूमेंगे और फिर आपसे मुलाकात करेंगे हाईटी के साथ। तो अब्दुल्ला जी आज आप हमें यहाँ पर करवा रहे हैं। जनाब जनाब अब्दुल्ला भाई ने करा दी है अय्याशी और अभी ख़त्म नहीं हुई है अय्याशी, अभी एक और जगह हम लोग जा रहे हैं वहीं पे चल के मुलाकात करते हैं। जनाब हम आ चुके हैं 1969, एक दो और अपने यार दोस्तों को हमने बुलाया है कि आजो आ रहे हैं रास्ते में वो, बस अभी यहाँ खाना शाना खाएंगे एक और बार फिर। तो वेन्यू बड़ा अच्छा है, पर्सनली मुझे ये पसंद भी है 1969 इस्लामाबाद में, प्रेफर भी इसे करेंगे। खाने की अगर बात की जाए वो भी अच्छा है और एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। तो आज वैसे ही हम लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं अब्दुल्ला जी। ये लोग भी कहते हैं मियाँ साहब आज जो है ना आप एम ही हाथ नहीं आए हैं, लगता भाभी गई में बने ऐसे ही है। शादी के बाद इतना टाइम फर्स्ट पहली दफ़ा मैंने दिया जी। चलें कोई बात नहीं, होता रहता है। चलें जी मिलते हैं साथ साथ। बात कहानी में ट्विस्ट कुछ ऐसा आया है कि जी कोई बैंड आया हुआ है खुमारियाँ, तो वो सुनते हैं और अपनी सेलिब्रेशंस को और सेलिब्रेट करते हैं। सो मच माशाल्लाह, आज का दिन आपके साथ ज़बरदस्त स्पेंड हुआ है और आपने एंजॉय भी भरपूर कराया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह अल्लाह।